स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एवी बॉक्स ऑफिस में एक बार फिर से। दोस्तों आप सभी को पता है कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कोरोना वायरस को लेकर के कितनी सख्ती चल रही है। ऐसे में दोस्तों बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का नुकसान तो हो ही रहा है, वहीं पर दोस्तों उनका काम भी रुका हुआ है, जिससे हजारों वर्कर्स के पेट भी नहीं भरे जा रहे। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में से ऐसे में अपडेट निकाल के लेकर आना एक काफ़ी बड़ी बात होती है। और दोस्तों हम आप सभी के लिए दो बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं, जिसको सुन के साथ आपको अच्छा भी लगे या फिर बुरा भी लगे, पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको निराशा नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, और जो सलमान के फैंस हैं उनके लिए निराशाजनक बातें हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप अक्षय कुमार सर और सलमान खान के एक बहुत बड़े फैन हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए सुदिंदी में सबसे पहले। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारी न्यूज़ की तरफ। वेल फ्रेंड, अगर हम बात करें सलमान खान सर की, दोस्तों सलमान खान के करियर की गाड़ी कब आगे बढ़ी थी, जब उनकी फिल्म वांटेड रिलीज हुई थी। वांटेड फिल्म ने दोस्तों ताबड़तोड़ कलेक्शन करे, और दोस्तों तब से ही सलमान खान की छवि हमारे बॉलीवुड में छप गई, और दोस्तों वो हमारे बॉलीवुड के मेगा स्टार बन गए। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब उनकी दूसरी फिल्म आने जा रही थी, जिसका नाम था राधे द मोस्ट वांटेड। जी हाँ दोस्तों, अब वो फिल्म पोस्टपोन हो चुकी है, और वो भी दोस्तों एक महीने दो महीने के लिए नहीं, लगभग चार से पाँच महीने के लिए ये रिपोर्ट आ चुकी है। और दोस्तों इस फिल्म के मेकर्स ने कहा है कि अब इस फिल्म को चार से पांच महीने के लिए हम टाल रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें हमारे बॉलीवुड के दूसरे मेगा स्टार यानी कि अक्षय कुमार सर की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अक्षय कुमार सर जो कि 2019 में चार ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं, और दोस्तों इसी के साथ में 2020 उनका लक्की साल माना जा रहा था, पर दोस्तों कहीं ना कहीं से कोरोना वायरस ने बीच में टांग अड़ा दी, और दोस्तों उनकी पहली फिल्म सूर्यवंशी को ही रिलीज नहीं होने दिया। जी हां दोस्तों, सूर्यवंशी 24 मार्च की शाम को रिलीज होने वाली, पर दोस्तों अब यह फिल्म रिलीज नहीं हुई और इसकी कोई रिलीज डेट भी अनाउंस नहीं करी गई। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब लक्ष्मी बॉम्ब फिल्म भी हम सबके बीच में रिलीज नहीं होगी। जी हां दोस्तों, लक्ष्मी बॉम्ब फिल्म की रिलीज डेट भी आगे बढ़ाई जा रही है, और दोस्तों उसका एक बहुत बड़ा कारण है, आप सभी को पता है कि सूर्यवंशी फिल्म की जो पॉलिसी थी उसके ऊपर इफेक्ट आ चुका है, और दोस्तों उसके पॉलिसी जो अमाउंट है, जो पॉलिसी अमाउंट है वो नहीं दिया जाएगा। इसकी वजह से दोस्तों सूर्यवंशी फिल्म को ईद के मौके यानी कि दोस्तों 22 मई को रिलीज करा जाएगा, जहां पर राधे द मोस्ट वांटेड रिलीज होने वाली थी। तो दोस्तों सूर्यवंशी के लिए एक वो बहुत अच्छा उपाय रहेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राधे द मोस्ट वांटेड भी आगे बढ़ गई, लक्ष्मी बॉम्ब भी आगे बढ़ गई, ऐसे में दोस्तों सूर्यवंशी मूवी को अच्छा खासा बैकअप और दोस्तों बैकग्राउंड मिलेगा पैसा कमाने के लिए, और साथ ही साथ में दोस्तों उस टाइम तक मुझको लगता है कोरोना वायरस भी चले जाएगा। आपको क्या लगता है, अक्षय कुमार सर ये सही कर रहे हैं या फिर गलत, हमें अपने ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर लक्ष्मी बॉम्ब आगे बढ़ती है तो पृथ्वीराज चौहान हमको 2021 में देखने के लिए मिलेगी, जो कि काफ़ी बुरी बात है। चलिए दोस्तों, ऐसी अपडेट पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।